दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर 22 अप्रैल को राउच एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही बहस जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री अतीशी का कहना है कि कोर्ट के फैसले से ये साबित होता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी 22 दिन से झूठ बोल रही थी। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सही तरीके से मेडिकल केयर नहीं मिल रहा था। अगर सही मेडिकल उपलब्ध होती तो हमें कोर्ट नहीं जाना पड़ता। मंत्री अतीशी ने कहा कि उम्मीद है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का मेडिकल बोर्ड बैठेगा और अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाएगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अतीशी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम को पहले के आदेश के मुताबिक घर का खाना जेल में मिलेगा, वो आगे भी घर का बना खाना खाएंगे। खाना डाइट चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। राउच एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले पूछा था कि ये समझ से बाहर है कि डॉक्टर की बनाई हुई डाइट चार्ट से अलग उनके परिवार की तरफ से जेल में खाना क्यों भेजा जा रहा था। इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि दरअसल उन्हें आलू पूरी और हलवा प्रसाद के तौर पर भेजा गया था। आपका दावा है कि अरविंद केजरीवाल चाय और मिठाई में चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल मंत्री अतीशी ने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को 30 साल से डायबिटीज और शुगर है और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए वो 54 यूनिट इंसुलिन रोज लेते हैं और जब से अरविंद केजरीवाल कस्टडी में गए हैं उनकी इंसुलिन जेल अधिकारियों द्वारा रोक दी गई है। कई बार मुख्यमंत्री केजरीवाल इंसुलिन और डॉक्टर से परामर्श के लिए विनती कर चुके हैं लेकिन जेल अधिकारियों ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। देखिए, आज राउच एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला किया है वो इस बात को साबित करता है कि पिछले 22 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। तो इस बात को ये स्पष्ट कर देता है कि 22 दिन से इतनी सिवियर डायबिटीज होने के बावजूद, शुगर लेवल 300 के ऊपर होने के बावजूद, उनकी इंसुलिन के रिक्वेस्ट के बावजूद उनको सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है जिसमें स्पेशलिस्ट डायबिटीज के डॉक्टर होंगे वो आज ही मिलेगा, आज ही अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही उनकी इंसुलिन की डोज शुरू करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।